ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 142। इफ वन अपॉन ए माइनस बी प्लस वन अपॉन बी माइनस सी प्लस वन अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू रूट टेन, थ्री रूट टेन, देन द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वॉट। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे विद इन सेकेंड्स हम इसको आंसर करने वाले हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे वन अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये और ये आप देखेंगे एक जैसे हैं, ओके। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। उसमें हम 10 ऐड करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ए है हमारा, ये ए है तो ये बी है तो ये सी है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यानी कि थ्री रूट टेन का स्क्वायर हम कर देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे और हमारे पास बचता है ये, इसकी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यानी कि एक की जगह हम लिखेंगे वन अपॉन ए माइनस बी, वन अपॉन ए माइनस बी, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। ऐसे बी की जगह लिखेंगे हम वन अपॉन बी माइनस सी, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ऐसे सी की जगह लिखेंगे वन अपॉन सी माइनस ए, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रख देंगे हम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये प्लस के बाद टू आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी, और तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए, ये आ गया एलसीएम। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वो तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इसके अंदर यहाँ पे हो जाएगा सब जीरो। आप करके देखना, अगर ना हो तो कमेंट करना, फिर हम इसे बोर्ड पे करके दिखा देंगे, ओके। तो इस सबकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। इस सबकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो हम सेट कर सकते हैं, यानी कि अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है जो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक का सवाल है हमारे पास। तो इसको हम नीचे उतार के रख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कटिंग हो गई है, ओके। ये हमने रख लिया, अब ये आप जानते हो, अब इसको स्क्वायर करेंगे हम क्या आ जाएगा, थ्री थ्री नाइन इंटू टेन यानी कि 90 हो जाएगा इज इक्वल टू दिस, कुछ इस ढंग से। और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें बस इतनी सी वैल्यू निकालनी है प्लस 10 करके, ओके। तो अगर हम इधर प्लस 10 करेंगे, इधर भी प्लस 10 करना पड़ेगा, ओके। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 10 यानी कि 100, ओके। तो आप कह सकते हैं कि इस सब की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और 100 हमारा आंसर बन जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं आंसर थर्ड जो है हमारा बिल्कुल सही है, 100।